सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा में आज एक पुल बनने के लिए शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास सदर विधायक श्याम धनी राही द्वारा विधिवत पूजा पाठ के साथ किया गया। जोगिया ब्लॉक के तनेजवा में शिलान्यास के दौरान आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये पुल इस नजरिए से भी जरूरी है क्योंकि तनेजवा में पुल बनने से 30 गांवों को फायदा पहुंचेगा और बाढ़ के दिनों में ग्रामीणों को पानी के रास्ते से आना जाना नहीं होगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए ये कहा कि इस पुल के बनने से हमारा पुनः जन्म हो जाएगा क्योंकि बाढ़ के दिनों में हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शिलान्यास करने के बाद सदर विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार को मैं स्वयं आवेदन दिया हूं, उनकी स्वीकृति हुई है और 4 तारीख को डिप्टी सीएम एवं लोक निर्माण मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया और बाढ़ के सीजन में यह नाला बांधा जाता है। यहां पर आज हमारे द्वारा भूमि पूजन हुआ है और जल्द से जल्द पुल बनकर तैयार किया जाएगा। आज विधायक जी ने भूमि पूजन किया, इस पुल बनना है, कितने फायदे हुए इससे? बहुत फायदा हो जाएगा, पुल बन जाएगा तो हम लोग बाढ़ में निकल नहीं पाते हैं, मैदान करने के लिए जगह नहीं मिलता है। अब बन जाएगा तो समझ लीजिए हम लोगों का दूसरा जन्म हो गया। इतनी परेशानी पूरी बाढ़ में कहीं जाने को नहीं मिला, किसी को तबीयत खराब हो जाए तो ना समय से नहीं आ पाती है, हम लोग बहुत परेशान है। बन जाएगा तो हम लोगों का समझ लो जन्म हो गया दूसरा, इतनी परेशानी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं स्वयं आवेदन दिया और आवेदन के बाद पुल की स्वीकृति हुई और स्वीकृति के बाद 4 तारीख को लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और डिप्टी आदरणीय चंद्रिका प्रसाद राय के कर कमलों द्वारा पुल और सड़कों का शिलान्यास लखनऊ से हुआ और जिसके साक्षी आप सभी लोग PWD रेस्ट हाउस पर आप से लोग साक्षी बने और आज पुनः इस ग्राम सभा के जो बाढ़ और अन्य सीजनों में बाधा बना था ये नाला, इस पर आज भूमि पूजन हुआ है और जल्द से जल्द पुल बनके तैयार हो